एक बार रतन जी का रुख करना चाहते हैं। बताइए सर, ये सर तन से जुदा करने की शिक्षा, सीख, फिलॉसफी, ये नारे लगाने की प्रैक्टिस क्या केवल पाकिस्तान की है? मैंने आपको पहले ही कह दिया, इसकी उपज भारत में है, इसलिए उस पर और मैं चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ मैं स्पष्ट कहूंगा, नूपुर शर्मा केवल बहाना है इसी चल रहे हैं लोगों का, वरना सारी दुनिया में अराजकता न होती, सारी दुनिया में लोग न मारे जा रहे होते, गर्दनें ना काटी जा रही होती, सारा मिडल ईस्ट ना जल रहा होता एक दूसरे को गर्दन काटने के लिए। तो कृपया ये केवल ये नूपुर शर्मा के सिर पर ठीकरा मत फोड़िए। डीजीपी साहब ने साफ कहा, मैं उस बहस में था, जिस प्रकार से तस्लीम रहमानी और लोगों ने मजाक उड़ाया था, उससे पहले दो हफ्ते जो मजाक उड़ाया था, उस समय कोई बोला क्या? उस समय अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती, आप जैसे भले मुसलमानों ने उसका बहुत विरोध किया होता, तो समस्या यहाँ तक ना आती। मूल जड़ क्या है कि आप इस प्रकार की किसी काफिर को या ना मानने वाले को, जो ये प्रॉफिट के विरुद्ध जो बोलते हैं, उसका सर तन से जुदा करने के आपको 72 हुरे मिलेंगी, आपको स्वर मिलेगा। ये जब तक ये मानते रहेंगे, तब तक इनको आप इस तरह सजा देकर नहीं सुधरेंगे। इनको जैसे डीजी साहब ने वही लाजा। तीसरी बात, जो लगातार सच्चे सेकुलरिज्म की बात करें, सच्चा सेकुलरिज्म ये है कि सारे विशेषाधिकार आप छोड़ दें। क्या आप सारे विशेषाधिकार छोड़ने को, विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार है? नहीं है। आप छोड़ना चाहेंगे तो सेक्युलर नेता जो है, जो इनको बचा रहे हैं, वो नहीं छोड़ने देंगे। आपने अभी बहुत एक अच्छी बात कही, हर प्रदेश में अलग अलग सरकारें हैं, वो सरकारें अलग अलग काम क्यों कर रही हैं? क्या सरकारों ने संविधान बचाने का ठेका नहीं लिया, शपथ नहीं खाई? तो सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हर व्यक्ति तुष्टिकरण करके अतिवादी लोगों का समर्थन करता है और उनको खेलने का मौका देता है, इसके कारण सब हो रहा है। तो कृपया वास्तविक सेक्युलरवाद चाहिए, चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है? आप तैयार नहीं है। आपको शरिया चाहिए तो कृपया क्रिमिनल लॉ में भी शरिया लेकर आइए। तो चिल्लाइए मत, मैंने एक भी बात संगत बिना संगत के नहीं की है, तो कृपया चिल्लाकर आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने बोलिए जवाब जी, नहीं उनके दो तीन सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा सच्चा सेक्युलरिज्म चाहिए, तो आपको जितने भी प्रावधानों के तहत प्राथमिकताएं मिलती हैं, उन सबको छोड़ने के लिए आप तैयार हैं? आप तैयार हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आ जाए? देखिए सौरभ साहब, देखिए क्या है, किसी को पर इनका आरएसएस वालों का और भारतीय जनता पार्टी का है, ये आरोप लगा करके भाग जाते हैं, उसका सामना नहीं करते हैं। उसका एक उदाहरण आपको देता हूं, उसका एक उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और आरएसएस का उदाहरण मेरे तौर पर यह है कि आप किसी पार्टी से जोड़ है आपका? के ऊपर टीवी डिबेट के ऊपर पार्टी के नाम से फर्क पड़ेगा? पार्टी के लोग जो है वो नहीं आ रहे, बात को मत छोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बैक डोर से जो है प्रश्न सही है कि नहीं, शिवम भाई बैटिंग कर रहे हैं उनके बीच पे, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? जवाब जी क्या फर्क पड़ता है उससे? अब आप किससे जुड़े हुए, हमें क्या पता? ये तो खुलकर आए हैं, जो आए हैं, फर्क क्या पड़ता है? क्या पड़ता है मैं बताऊं? भारतीय जनता पार्टी इख्तदार में है, सरकार उनकी है, तो लोगों का दायित्व जो होता है ना, जो सरकार में बैठे होते हैं, उनसे सवाल करने का होता है। ये इतनी मूल बात है, ये समझने की जरूरत है। सिर्फ मेरा इतना कहना था, बाकी आप समझदार हैं। मैं दूसरी बात करता हूँ, नहीं का दायित्व बनता है, नहीं सरकार का, सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो आप खामोश रहिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए रेडिकलाइजेशन की जब बात हो रही है, आप कट्टरता की जब बात करते हैं, शारदा जी मुझे ये बताइए, वो कौन लोग थे जब कटुआ के अंदर एक बच्ची का रेप होता तो उसके समर्थन में लोग निकल जाते हैं, यात्रा निकालते हैं? सुन लीजिए कुलदीप सिंह सहगल जैसे लोगों के जो रेपिस्ट रहे हुए, जिनको सजा हुए, उनके समर्थन में लोग निकल के आते हैं, स्वामी चिन्मयानंद के समर्थन में लोग निकल के आते हैं। अरे जवाब साहब एक मिनट, जरा देखिए, मैं एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जरा ये तस्वीरें शाहपुर की है, राजस्थान के शाहपुर की तस्वीर है। यहाँ पर भी देखिए एक मार्च निकाला जा रहा है, मोर्चा निकाला जा रहा है, जो हालात बन रहे हैं, जो धमकियां दी गई हैं, जो गले काटे गए हैं, उसके खिलाफ सवाल ये है, अभी जवाब साहब इस पर नहीं बोलेंगे कि ऐसे कितने जलसे जो है मुस्लिम समाज ने निकाले या मोर्चे निकाले कंडेम करने के लिए कि हम इसके साथ नहीं हैं, जो हो रहा है ये हमारे धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है वो धर्म के खिलाफ किया जा रहा है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं।
एक भी ऐसा मोर्चा नहीं निकाला गया। और ये तरह तरह से अब जब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शिवम जी यहाँ पर जब जैसे राजस्थान में शिव जी के जो भी अभी बात कह रहे थे रतन जी कि भगवान शिव के ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो तरह तरह की फप्तियां कसी गई जिन जो नुपुर कह रही है कि उकसावे में उनसे वो बोल निकल गए वो इस बात से नाराज थे। सलमान सरवर चिश्ती वहां के जो जो सचिव हैं अंजुमन कमेटी के कि वहां के दुकानदारों ने दुकान बंद करके उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन क्यों किया और वो उनके इकोनॉमिक बॉयकॉट की कॉल दे रहे थे बजाय इसके कि वो इस बात को कहते कि किसी भी धर्म के भगवान की आराध्य की आलोचना करना गलत है। सौरभ जी ये बात बहुत क्लियर है कि सर तन से जुदा करने वालों के साथ पूरा का पूरा समाज है, कोई एक आधे को मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर में लोग वही हैं जो इसको समर्थन करते हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से, कोई सामने से कोई पीछे से, कोई टीवी पर आकर ये कह दे हम ये नहीं मानते लेकिन वो मानते हैं। आप एक चीज बताइए मुझे, अंजुमन कमेटी का सेक्रेटरी है वो जिसने कॉल दी और कल सर्वर चिश्ती आप ही के चैनल पर आकर कहते हैं कि मैं कंडेम करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कंडेम करके अभी तक तो आपको निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए था उसको, और उसको अभी तक जेल डालना चाहिए था। आप एक चीज बताइए मुझे, ख्वाजा गरीब नवाज और खास तौर पर अजमेर शरीफ तो सूफिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जब आप अपनी कमिटियों में ही ऐसे कट्टर लोगों को समर्थन करते रहेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा एकता का और भाईचारा का मिसाल। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं सच बीच में मत करिए ना ये शब्द को, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप जो ये बार बार सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं जिसने 17 बार मोहम्मद गौरी का हमला करने के बाद भी उसको हार के वापस छोड़ दिया था। तो ये मत कहिए, यहां इस देश में हिंदू जो है मेजॉरिटी में है, बावजूद इसके आज तक इस देश में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।